जय हिंद साथियों, स्वागत है माय चैनल मैक इंडिया टेक में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे नोवेल डॉकयार्ड्स विशाखापट्टनम के द्वारा जो एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती आई हुई है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं ये हमारा जो है बहुत ही अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे सीखने को मिलती है, खास करके आईटी वालों के लिए। और ये सब से अगर अप्रेंटिस कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आगे भविष्य की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल जाती है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ से जो एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती आई उसके बारे में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो हमारा है नोटिफिकेशन है, यहाँ से अगर हम लोग डाउनलोड करेंगे तो उस नोटिफिकेशन में देख पाएंगे पाएंगे कि कौन कौन सी की ट्रेड की यहाँ एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती आई हुई और लास्ट डेट क्या है, एग्जामिनेशन फ़ी लगेगी कि नहीं लगेगी और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और किस तरह से आवेदन करना है, इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बात करते हैं अभी हम लोग इस एक्ट अप्रेंटिस के बारे में। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा ताकि और भी आईटीआई से रिलेटेड जो भी भर्ती या अप्रेंटिस आएगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन हो पाएगी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशंस को। तो फ्रेंड, देख पा रहे हैं ये हमारा जो है नोटिफिकेशंस आ गया है और ये एडवर्टीजमेंट्स नंबर भी मेंशंस कर दिया गया यहाँ पे। और ये जो एक्ट अप्रेंटिस आई है 2023-24 बैच के लिए है और टोटल नंबर ऑफ सीट की भी बात करेंगे तो यहाँ पे सारा मेंशंस कर दिया गया। और ये जो एक्ट अप्रेंटिस जो रूल है हमारा 2014 एंड अप्रेंटिस एडमिटेंस रूल्स 2019 के अकॉर्डिंग है। और ये सारा जो पोस्ट का जो है डिटेल दे दिया गया यहाँ पे, देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 36, फिटर्स की बात करेंगे तो 33, सीट मेटल वर्कर की बात करेंगे तो 33, कारपेंटर की बात करेंगे तो 27, मैकेनिक्स यानी कि डीजल मैकेनिक्स की बात करेंगे तो 23 और पाइप फिटर की बात करेंगे तो 23, इलेक्ट्रीशियंस की बात करेंगे तो 21 और RAC 15, वेल्डर गैस की बात करेंगे तो 15 और मशीनिस्ट की बात करेंगे तो 12, पेंटर की 12। तो इस तरह से हमारा जो है सीट्स को बांट दिया गया है। और टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे, फाउंड्री मैन की भी सीट है यहाँ पे 5 है और टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे तो 275 है। और यहाँ पे सारी सीट को जो है कैटेगरीज वाइज भी डिवाइड कर दिया गया है। तो ये था सीट का डिटेल। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके या इसका नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके देख सकते हैं और कौन कौन सी ट्रेड की कितनी सीट है और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट है ये भी आप लोग देख सकते हैं। अब आगे देखेंगे इसका जो मेन पॉइंट है उस सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बात कर दिया गया है कि प्रोसीड्योर फॉर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिस, किस तरह से आप लोग इसको आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में दे दिया गया। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोगों को आवेदन करना है और इसके लिए क्या क्या जरूरी है वो सारी चीज़ बात करेंगे। पहला कि आपका एक रजिस्टर मतलब वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक वैलिड मोबाइल नंबर, उसमें आपका OTP जाएगा यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक नोट दे दिया गया है कि अप्लाई करने से पहले ही आपका जो है 10th क्लास की मार्कशीट या जो भी आपका जो क्वालिफिकेशंस डिटेल है उसमें आपका आधार कार्ड सारी अपडेट होनी चाहिए यानी कि उससे रिलेट होनी चाहिए, अन्यथा आपका जो है ये कैंडिडेट्स मतलब रिजेक्ट भी हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको काम करना है। आगे देखते हैं, आगे आप लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद आपका रजिस्टर हो जाएगा और मोबाइल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसके बाद आप लोग उसको फिर आगे बढ़ेंगे और सारा जो डिटेल्स है यानी कि फ़ोटो सिग्नेचर्स चाहे आपका जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा आपको अपलोड करना है जहाँ की सारा चीज़ मेंशन कर दिया गया। उसके बाद सारा चीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद वो जो आपका जो सॉफ्ट कॉपी है उसका भी एक प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे मेंशंस कर दिया गया टेक द प्रिंट आउट द होल टिकट फॉर्मेट प्लेस पार्ट टू, तो ये सबसे नीचे दिया गया उस फॉर्मेट्स को भी आप लोग को डाउनलोड कर लेना जो कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों। ये होल टिकट जो है मेंशंस कर दिया गया होल टिकट फॉर्मेट, तो ये आपको दो कॉपी लगा के भेजना है ताकि वहाँ से जो रिपोर्टिंग किया जाएगा तो इसी यही होल टिकट आपको भेजा जाएगा। तो ये था ये होल टिकट की बात। आगे देखेंगे कि क्या क्या और इसमें मांगा जा रहा है। यहाँ पे देखिए,
जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे, एसएससी सर्टिफिकेट होने चाहिए, आईटीआई, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन है तो, और एनसीसी सर्टिफिकेट है तो एनसीसी भी कर सकते हैं, और स्पोर्ट कोटा से है तो स्पोर्ट कोटा भी आप जो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो देना है। तो ये था डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। अब यहाँ फ्रेंड्स एज की बात करेंगे तो एज जो है मेंशंस कर दिया गया कि कैंडिडेट्स बॉर्न ऑन बिफोर 2 मई 2009, लेकिन 2000 पहले से जो जन्म हुए हैं वही एलिजिबल होंगे, उससे जो नीचे रहेंगे वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये था। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो एज गवर्नमेंट जो होती है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगी। पर्सनल डिसेबिलिटी होंगे तो उनके लिए भी कुछ एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मतलब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो वो यहाँ पे मेंशंस कर दिया गया है कि एसएससी में आपका यानी कि मैट्रिक में 50% होने चाहिए और आईटीआई में 65% से ऊपर होने चाहिए, तभी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट जो है रखा गया है 2 जनवरी 2023, और हार्ड कॉपी जो है रिसीव करने का है वो 9 जनवरी 2023 तक रखा गया, यानी कि आप ऑनलाइन जो है इसको 2 जनवरी 2023 तक कर देना है और हार्ड कॉपी जो है 9 जनवरी 2023 तक भेज देना है। और ये किस एड्रेस पे भेजना है यहाँ पे सारा मेंशंस कर दिया गया, इस एड्रेस पे आपको हार्ड कॉपी जो है सेंड कर देना है। तो ये था दोस्तों शॉर्ट इन्फॉर्मेशंस। और एग्जामिनेशंस जो है रिजल्ट आउट की बात करेंगे तो ये सारा चीज़ मेंशन कर दिया गया है। रिटर्न एग्जामिनेशन जो 28 फरवरी 2023 को होगी, डिक्लेरेशंस ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशंस रिजल्ट जो है 3 मार्च 2023 को होगी, और उसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्शंस हो गए उसका जो है इंटरव्यू भी डेट रखा गया है और मेडिकल्स डेट भी रखा गया। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया अलग अलग डेट के लिए। अब आगे देखेंगे इसका जो है एक बहुत ही अच्छा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि हॉस्टल्स फैसिलिटी फॉर मेल अप्रेंटिस ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि जो कैंडिडेट मेल कैंडिडेट हैं उसके लिए हॉस्टल भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है मेल कैंडिडेट के लिए। तो ये था फ्रेंड्स ये नावल डॉक यार्ड्स जो है विशाखापट्टनम की तरफ से एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। आप लोग इस नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करके और अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तभी इस फॉर्म को आवेदन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। धन्यवाद।